हाँ जय हिंद। आज का वीडियो आपका ORL ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन किस सेंटर का जोहरट का मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ। हालांकि मैं ये इंटरव्यू कराने वाला था लेकिन तो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन, अब आप इस शब्द को समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन जोहरट सेंटर का यह है रिव्यू आपका, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके बारे में। चलिए मैं पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे क्या हुआ, वहाँ पर कैंडिडेट कैसे गए, कैसे रिपोर्ट। वहां पे सबसे पहले आपको जाना है रहने होने के लिए, बता दे रहा हूं। चलिए इस वीडियो में आपको रहने के लिए भी बता दे रहा हूं आप कैसे वहां पे रहेंगे। यहां पे जो है आपका जोहरट में सेंटर किन किन स्टेट का बना हुआ, यूपी बिहार वालों को छोड़ के सबका सेंटर वहीं पे बना हुआ है। एक रूम वहां पे, जैसे कि एक रूम में 10 लोगों के लिए उसी तरीके से आराम से बिछा करके नीचे सो जाइए अपना। 150 रुपया पर डे से शुरू हुआ है, उसके ऊपर जो भी आपका जाता है जैसा रूम लेते हैं वैसा आपको देना पड़ेगा। वहां पे जो भोजन का है आपके लिए 80 रुपए प्लेट मिलेगा और ठीक ठाक है वहाँ पे पेट, लेकिन वो बता रहे थे कि 80 रुपए के थाली में पेट भर जा रहा था। ठीक है, तो अब जो भी है 80 रुपए में किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को महंगा लगेगा, किसी को सस्ता लगेगा, उस हिसाब से जैसा है आपका यह ओपिनियन चेंज होते रहेगा। यही हो गया अकोमोडेशन के लिए सिंपल सा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि आपका रैली कितने लोग कैंडिडेट रिपोर्ट किए थे। अप्रॉक्सीमेट डेटा है यह 3000 लोग रिपोर्ट किए थे, जिसमें से 2500 लोग फिजिकल क्वालिफाई कर लिए 250। और ग्राउंड का बात कर लें तो ग्राउंड बिल्कुल एकदम मस्त है, ग्राउंड में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और उसमें से जो 2500 लोग पास किए थे तो इसमें से 900 लोग आपका क्या हुआ कि फिजिकल ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई किए। ट्रेड टेस्ट में कैसा क्वेश्चन पूछे? अब ट्रेड टेस्ट यानी जब ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर लिए तो ट्रेड टेस्ट के बाद नंबर आता है उनको कॉल लेटर देने का। एक सीट मिला पेपर का कि आप को यह कॉल लेटर दिया जाता है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का डेट क्या शेड्यूल किया गया? 17 सितंबर। यह हर एक स्टेट का वैरी करेगा, आप किस स्टेट से जा रहे हैं उस स्टेट से वैरी करेगा। जैसे कि आपका पिछला जो भी नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल का चला था तो इतने को मिला करके आपका दे देंगे रैली डेट। आपका शेड्यूल हो गया है 17 सितंबर को एग्जाम है, वहाँ पर गए तो कैसे पहुँचे जोहरट से आपका। चलिए जोहरट से आपको बता दे रहा हूँ, जोहरट अगर आप पहुंच गए तो जोहरट से आपका असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका सेंटर बना हुआ है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है। वो सेम आपका दीमापुर में है 3 किलोमीटर का कितना दूरी है, और आपका दीपू में भी वही सेम है 5 किलोमीटर का दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। ज़्यादा दूरी आपका कहाँ का है सेंटर? हाफलोंग कहाँ का है? हाफलोंग में ज़्यादा थोड़ा दूर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसी में आप टेस्ट में आपका 12 से 15 क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिसमें से कि उन्होंने बताया कि 8 से 9 बताने पे क्वालिफाई कर दे रहे थे। अब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे थे कंप्यूटर का, अगर सीईओ साहब इनसे क्या हुआ था कि कर्नल कमांडिंग अफसर साहब भी क्वेश्चन पूछे थे, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के इधर उधर से भी पूछ दिए थे। तो कंप्यूटर में आपका क्या हुआ था, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके नोट करिएगा। इसको मैं टेलीग्राम में नहीं सेंड करूँगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा है, थोड़ा सा आप इसको एक ले लीजिए और लिख लीजिए, वहीं पर नोट किए होंगे। वैसे भी आप प्रीवियस वीडियोज़ इधर उधर से और चैनल्स के देख लिए होंगे, वही सब है इसमें, जो भी आपको ऐड ऑन करना होगा ऐड ऑन कर लीजिएगा। कंप्यूटर का शॉर्टकट की, कंप्यूटर का शॉर्टकट की नहीं, कंप्यूटर से जो शॉर्टकट की होते हैं जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, विंडोज अल्ट प्लस डिलीट, ये जितने भी शॉर्टकट कीज हैं बेसिक बेसिक नॉर्मल नॉर्मल, आप उन सबको याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म पूछे थे जैसे रैम, रोम, सीमॉस, इन सबका जो भी है फुल फॉर्म। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ दिए थे, ठीक है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। इनसे पूछे थे जैसे कि लैक्टिक एसिड का बैटरी के बारे में, एसी का डीसी में अंतर क्या होता है बैटरी का, और इन्हें कैसे हम सीरीज में पैरेलल भी पूछे थे। एलईडी का फुल फॉर्म पूछे थे। कैपेसिटर भी पूछे थे, कैपेसिटर का वर्क कौन सा, इसमें वहाँ पर इक्विपमेंट भी रख दिए थे कि कैपेसिटर था, ट्रांजिस्टर था, जो भी था उन सबको रख दिए थे। आपको बताना था कि उसमें से कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, कौन सा डायोड है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया। 6 लोगों का ग्रुप बनता था ट्रेड टेस्ट के लिए, 6 लोग ग्रुप में जाते थे, वहां पे 5 लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोग बैठे होते थे जो आपसे क्वेश्चन पूछते थे। एक दो तीन सीट था जिसपे आपका क्वेश्चंस लिखे हुए थे, क्वेश्चंस उसी में से आपको पूछ रहे थे, लेवल अप डाउन हो रहा था और उसमें से आपका अलग अलग इंडिविजुअली सबसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। और जो
इस बैच से पूछे नेक्स्ट बैच से, यानी कि काफ़ी बैच होने के बाद क्वेश्चन रिपीट होते थे, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन रोज रोज बनता रहता था। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तो वही एक जो फ्लो में रहता है वही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो चलो ग्रुप ये सब आपका पूरा क्लियर हो गया। 900 लोग बता दिया कि आपको ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई किए, जिनको 17 सितंबर का डेट मिल चुका है। और आपको पता है कि ऑपरेटर रेडियो सब में वैकेंसी बहुत ही लिमिटेड है। तो देखिए अभी एक पॉइंट और कुछ पॉइंट छूट गया था कि आपका डॉक्यूमेंटेशन और ग्राउंड, आपका ग्राउंड के बारे में भूल गया, उसको बता देना हूँ। सबसे पहले वहाँ पे आपका ग्राउंड जो है कि 5 किलोमीटर का था, 6.5 चक्कर लगाने थे, ठीक है। 6.5 चक्कर में आपको पर राउंड पे जितना चक्कर होगा, 6 चक्कर होगा, 6 चक्कर में आपको 6 टोकन मिलेंगे और 6 टोकन को आपको अपने पास रखना है। और जो आधा चक्कर और लगाएंगे तो उसका आपको टोकन नहीं मिलेगा, यानी कि 6 चक्कर आप लगा 6.5 चक्कर लगाएंगे, 6 टोकन मिलेगा, उसको आपको अपने पास रखना है। अगर 6 से 5 हो गया तो आपका रनिंग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप भले से ही टाइम के अंदर में आ गए और 24 मिनट का टाइम आपको पूरा दे रहे हैं। और इसी में रनिंग का बैच कितना बना था, रनिंग का 150 का बैच बना था, जिसमें से 148 150 का बैच बना था, जिसमें से ठीक ठाक अच्छे कैंडिडेट 100 कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया था। और नेक्स्ट बैच भी बना था 300 का, मतलब 250-300 इसी के लगभग का बन रहा था। तो 300 का एक बैच बना था, तो उसमें से 200 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया था। इसी तरह से आपका चल रहा है। और लास्ट में मैं बताने जा रहा हूं, बट नॉट द लिस्ट, हालांकि इसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यह प्रॉब्लम होने वाला है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट में क्या है, एंट्री से पहले आपका मार्कशीट चेक कर ले रहे हैं, 12th PCM आपका होना चाहिए, नहीं है तो अगर आप ITI किए हैं तो ITI में जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो बाहर इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेंगे तभी आप अंदर जाएंगे। मैं इसका एक वीडियो में एक कमेंट आया था तो इसका मैं जिक्र कर दिया था, वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दिया था। तो आपका यही हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ रहा है, ले जाना भगाएंगे नहीं लेकिन तो आपको रगड़ा देंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या अपडेट है भैया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लाओ और डोमिसाइल पर स्टैंप होना जरूरी है। मैं एक इंटरव्यू में जो नर्सिंग असिस्टेंट का लिया था उसमें भी इस पॉइंट को कवर कर दिया था कि आपका डोमिसाइल पर स्टैंप होना जरूरी है, ठीक है। तो आप स्टैंप अपना जो भी हो, जहाँ से कहाँ से लगता है, SDO ऑफिस या DM ऑफिस से आप जाके लगवा लीजिएगा, दीपू में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपको 17 तारीख का एग्जामिनेशन डेट मिल रहा है, 1 सितंबर 2022 से 9 सितंबर 2022 तक जिन लोगों का है उन लोगों को मिल रहा है आपका डेट, 17 सितंबर 2022 आप लोगों का हो जाएगा ट्रेड। अब इस छोटे से वीडियो में इतना ही, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला है उतना रख लीजिएगा ट्रेड टेस्ट के बारे में। और प्रीवियस वीडियो आपको देखना होगा, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, चैनल से जुड़ने का मन होगा चैनल से जुड़ जाइएगा, अगर नहीं जुड़ने का मन होगा तो टेलीग्राम से जाके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपका पैसा उसका कुछ नहीं लगेगा और वहाँ पर अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है वहाँ पर बता देता हूँ। जय हिंद।